करें बात। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल में आ रहा हूं, प्रॉपर्टीज। कल तक हम लोगों ने माइनर्स और कोफैक्टर्स पे बात करी थी। कितने लोगों को याद है कि माइनर्स क्या होते हैं? ये याद है आपको? क्योंकि कल ही तो बात करिए माइनर्स क्या होते हैं। आप हर किसी का माइनर निकाल सकते हैं? श्योर हैं आप? कल हमने जाते जाते एक और परफेक्ट वैल्यू भी निकाली थी, आप में से किसी को याद हो? कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमेंट का वैल्यू, ओरिजिनल डिटरमेंट की पावर एन माइनस वन होता है, याद है आपको? श्योर है? कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमेंट कितनों को पता है कैसे बनता है? अगर मैंने कहा कि आप, मैं मान लो आपको कोई डिटरमेंट दे दूं, तो आप मुझे उसके कोफैक्टर से बनने वाली डिटरमेंट वापस दे सकते हैं? श्योर है आप? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि जो कोफैक्टर से बनने वाली डिटरमेंट आएगी, सही है नहीं आया, उसको अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज करना समझते हैं आप, तो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट। यही सुनना था मेरे को, ये आपका एनसीईआरटी पे पकड़ बताता है। अगर बाय द वे कोई भी सिंपल कोफैक्टर से बनने वाली डिटरमेंट आ गई, उसको जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब जानते हैं आप? रो को, कॉलम को रो में, तो जैसे आप ट्रांसपोज करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाता है, सही है ना? और ये आप ध्यान रख लेना, क्यों? क्योंकि एडजॉइंट का एक कदम और आगे चलते ही इनवर्स तैयार है, एक कदम और चलना है, वन अपॉन मॉड ए, वन अपॉन डिटरमेंट ए, ढंग से बोलो तो, सही है ना? हाँ, क्योंकि मुंह से हमारे भी मॉड ए ही निकलता है, वन अपॉन डिटरमेंट ए करते ही। कितने लोगों को हल्का सा एक और, क्योंकि इतनी दूर तक जवाब 13 में बैठे भाई, है कि नहीं? अपन को तो इतना तो आइडिया, ये 12th वालों को तो हम समझाते हैं ना, तो उसको समझ में आ जाए और फिर उसके बाद वो उतनी दूर तक चले जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? कि भाई आप 12th में बैठे हो, जिसने फर्स्ट टाइम डिटरमेंट मैट्रिक्स सुन रहा है और वो बच्चा भी इतना बढ़िया खेल जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? 13 में तो कम से कम आपकी, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी थोड़ी बढ़ी जाती है। जैसे हम बोल जाए अचानक से सिंगुलर है, सिंगुलर याद आया आपको? सिंगुलर नॉन सिंगुलर, एक सेकेंड, जिनको याद आ गया आप अपना जवाब अपने पास रखिए, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसमें मेरे को पता चल जाएगा आपको पता था कि नहीं। जो सिंगुलर है उसका इनवर्स पॉसिबल है? जो सिंगुलर है वो सिंगुलर है? अरे जो सिंगुलर है उसका इनवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिंगुलर है भाई, सिंगुलर माने अकेला है, उसका कोई उसके जोड़ीदार नहीं है। आपको समझ में नहीं आया? आप दिमाग लगाओगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, जिनको ये याद आ गया अब वो पीछे चले, जिनको ये ध्यान आ गया वो ये भी ध्यान रखे, क्योंकि भले अभी आज का टॉपिक है कि नहीं है कोई मतलब नहीं, हम मानते ही नहीं आज का टॉपिक कल का टॉपिक क्या होता है। अपन तो ये मानते हैं कि हर बच्चा मार्च की तैयारी पे बैठा है, हर बच्चा ये सोच रहा है कि मार्च आना तो फिर देख लेंगे, सबके दिमाग में ये चलता है। हम जो कर रहे हैं ना, आपका टाइम काट रहे हैं, सच्ची बात तो यही है अगर आप दिमाग से सोचो तो, क्योंकि असली तैयारी आपको भी पता है ना, जिस दिन आप बैठोगे ना हमारे बगैर, उस दिन तैयारी चालू होगी। तब तक तो ये जो चल रहा है ये बीच का फेज चल रहा है। अरे सच्चाई यही है ना, जिस दिन आप बैठते हो उसी दिन तो क्वेश्चन होने चालू होते हैं, उसी दिन तो पता चलता है कि कितने पानी में थे, उसी दिन पता चलता है कि अब लगातार 2 महीने लगातार मैं बैठूंगा तो मैं कहां तक पहुंचा दूंगा गाड़ी। भाई आखिरी दिन की इवेंट याद है या नहीं याद है आपको? एग्जामिनेशन से जस्ट पहले क्या होता है, आप एक ही दिन में उतना पढ़ लेते ना जितना आपने अपने पूरे साल में नहीं पढ़ा होता। एग्जैक्टली सही बात है, मजाक की बात थोड़ी ना चल रही है, सही बात है कि नहीं? फिर आप जब इतना जब आपके अंदर कैपेसिटी है एंड यू नो योर पावर, आपको पता है कि आप उस आखिरी दिन के अंदर तो आप जब डेडलाइन आ जाती है तो आप कितना काम कर सकते हो, फिर डर किस बात का है? तो फिर तो अभी से बात कर सकते हैं ना, कभी कभार रह करके डेडलाइन तक पहुंच सकते हैं ना अपन, तो वैसी बातें कर रहा हूं बस मैं। अगर सिंगुलर की बात होगी तो चलने दो ना, आप बताओ सिंगुलर है तो डिटरमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होते ही 1 अपॉन डिटरमेंट ए पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल नहीं है तो इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, अब आप बिल्कुल सही उतरे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कितने लोगों को अभी से हल्का हल्का प्रॉपर्टीज के बारे में, जाने से पहले कुछ ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इससे पहले कि अपन विधिवत एंट्री कर जाएं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें। डिटरमेंट में रो और कॉलम बदलने पर कुछ चेंज नहीं होता, याद आ गया आपको? डिटरमेंट में रो और कॉलम बदलने पर कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, डिटरमेंट के अंदर अगर मैं किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करूं तो वो किसी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम से ही होती है, उल्टी बात भी सही है,
किसी रो पर्टिकुलर रो या कॉलम से अगर कोई कांस्टेंट बाहर निकालता हूं तो पूरे उसके बाहर आए मानते हैं, ये बात भी बराबर है। अच्छा अगर आपको ये बात भी ध्यान आ गई तो दूसरी बात अगली बात पे आते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो सेम है तो जीरो, अगर कोई भी दो रो प्रोपोर्शन में है तो कभी जीरो, अगर किसी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो मतलब एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं कभी जीरो, अगर कोई भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम दो 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 के सम में है तो हाँ अलग अलग, तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट पॉसिबल हैं, उल्टा भी पॉसिबल है। अगर दो रोज का बाकी दो सेम है और बीच वाला अलग अलग है तो आप ऐड कर सकते हैं, सही है ना। तो बेसिक तो आपको ध्यान ही है, समेशन प्रॉपर्टी वगैरह सब ध्यान है, फिर अब क्या इस बात का डर है, आज बस सिर्फ लिखने के ही तो काम है। पहले पॉइंट पे आ जाइएगा, फटाफट से लिखेगा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब तो सिर्फ लैंग्वेज वाइज कोट करना है और कुछ नहीं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग remains unchanged by interchanging rows and column by interchanging rows and column, सही है। जो आपने बोला था रोज और कॉलम को बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके आगे लिख दे रोज एंड कॉलम आई ई ट्रांसपोज, समझ गया आप। कहने का मतलब डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको अगर जिनको नहीं समझ में आई ट्रांसपोज के आगे लिख लेना, रो टर्निंग इनटू कॉलम एंड कॉलम टर्निंग इनटू रोज, ठीक है ना। अगले पॉइंट पाता हूं नेक्स्ट, और अच्छे तो बता दो ये बात भी, अगर नहीं बताओ तो फर्स्ट रो टर्न इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो टर्न इनटू सेकंड कॉलम, पता है ना जो पहली रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, है ना भाई। अच्छा पॉइंट नंबर टू पे आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ आप तो खटाखट। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड, then sign of determinant will be changed, then sign of determinant will be changed। क्या आपको ये क्लिक कर गया? Yes, अच्छा जल्दी से बताइए, अगर मैं R1 को R3 से बदलूं तो माइनस लगेगा, अच्छा और अगर मैं R1 से R3 तक पहुंचूं तो आपको पता चला R1 से R3 तक कैसे पहुंचा? Yes, पहले मैंने R1 को R2 में बदला, yes, फिर R2 को R3 में बदला, yes, तो चेंज नहीं होगा, वेरी गुड, ठीक है गुड। अगले पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर तीन, थर्ड पॉइंट पे आइएगा, थर्ड पॉइंट है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इन एनी रो, इफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, then value of determinant is zero। fourth point again aisa hi khatarnak wala, theek hai likhega, if any two rows or column are identical, then value of determinant is zero, then value of determinant is zero, लिख लिया। पॉइंट नंबर पांच पे आइएगा फटाफट से, पॉइंट नंबर पांच क्या कहते हैं, if all elements in any row or column are multiplied with a constant k, ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज
then value of determinant becomes k times, then value of determinant becomes k time. सही है, ज्यादा गया आपको? हाँ भाई, अगला पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर सिक्स. पॉइंट नंबर सिक्स पे आ जाएगा फटाफट से, लिखेगा द वैल्यू ऑफ डिटरमेंट इज अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमेंट इज अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. By adding or subtracting the multiple of any row, the multiple of any row. ठीक है, multiple of any row into a given row, into a given row. IE, ये लिख लीजिएगा, सही है. ठीक है, आर आई इज इक्वल टू अल्फा आर जे प्लस बीटा आर के. ठीक है, उसी तरह से सी आई टर्न्स इनटू सी आई प्लस अल्फा सी जे प्लस बीटा सी के. अब ये तो अजीब सी नोटेशंस लिखने हैं ना अपने को, इनकी आदतें तो डालनी ही पड़ेंगी. ये क्या चीज है भाई? अरे आपने नहीं लिखा कभी कि आर वन के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया, आर वन माइनस टू आर थ्री प्लस थ्री आर टू, ऐसा करा है कि नहीं? Yes, तो फिर यही तो मैंने ऊपर लिखा है, अल्फा बीटा की जगह ये थ्री और माइनस टू की जगह अल्फा बीटा लिख दिया, ताकि आप इसको लेकर के पहचान लें. और एक और बात, खास बात, कि आपको ये पता है कि अगर ऑपरेशन लग रहा है तो जिस पे ऑपरेशन लगता है वो हमेशा सिंगल कोफिशियंट माने अनचेंज रहता है, उसका कोफिशियंट कभी नहीं बदलता. Yes, नहीं आया समझ में? R1 पे लगेगा तो कभी भी यहां R1 पे आप कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो उसके भी खास रूल होंगे. ठीक है ना? अब मैं आपको, जिनको मेरी बात समझ में आ गई, ये यहां तक की बात समझ में आ गई, मैं आपके सामने कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल लिख रहा हूं, आप मुझे जवाब देना इनमें से. सही है, पहले तो आप कॉपी कर लो इसको सबको एक साथ, फिर अपन मिला लेते हैं भाई आपका क्या ख्याल है. आर वन माइनस आर वन प्लस आर टू पहला, दूसरा एग्जाम्पल है आर टू पे ऑपरेशन लगा टू आर टू प्लस आर वन, राइट है. तीसरा ऑपरेशन लग रहा है सी वन पर, सी वन प्लस सी टू माइनस टू सी थ्री. ठीक है, अगला ऑपरेशन लग रहा है सी वन पर, वन बाई टू इंटू टू सी वन प्लस सी थ्री. ठीक है ना भाई? अगला ऑपरेशन लग रहा है आर थ्री एंड आर टू, राइट है. और यहां हो जाएगा सी थ्री टर्न्स इंटू टू सी वन. ठीक है, और आर वन पे ऑपरेशन लगा है आर टू माइनस आर वन प्लस आर टू. हाँ भाई बताइए साहब, कौन सा ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड हैं? पहला वैलिड है, सोच लिया आपने? क्यों नहीं है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. मैंने कहा था आर वन को छेड़ना नहीं है, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो खास रूल क्या कहता है? फिर पूरा डिटरमिनेंट के बाहर माइनस लगेगा. आप लगा लो ये ऑपरेशन, वैसे तो लगा नहीं सकते, अगर लगाते हो तो फिर पूरे डिटरमिनेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके खेलो. बात समझ में आई? अन्यथा ये गलत है. सही है? अच्छा बताओ दूसरा सही है क्या? क्यों, दूसरे में क्या गलती हो गई? आप किस पे ऑपरेशन लगा रहे थे? आर टू पर, और आपने आर टू का ही डबल कर दिया, गलत है. और अगर लगाना है तो पूरे को मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू वन बाई टू. हाँ, धीरे धीरे सेटल हो गया ना आपका, वन बाई टू पे सेटल हो जाए मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू. क्यों? क्योंकि आपने टू की तो रो में मल्टीप्लाई कर दी, तो जिस दिन बाहर आएगा तो टू टू कट जाना चाहिए, अन्यथा गलत है. या तो आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बदलो उधर, और या फिर इधर इसको रॉन्ग को कानी पकड़ मारी है. देखे अगला सही क्या? अगला श्योर है ये? क्यों, क्या गलत है? अगर आपने पूरी रो बदल दी तो माइनस लगेगा, ऐसा सही है क्या? नहीं आया माइनस लगे. अभी सही है गलत? साइन चेंज कर दो, अब तो ठीक है साइन चेंज. आगे बोलो इसके अंदर, ये वन साइडेड है ये?
अरे वन साइडेड वन साइडेड। C3 ऑपरेशन लगा कहा? C3 तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, नहीं यही कहानी। अरे C3 पे ऑपरेशन, अरे ऑपरेशन लगने वाला पार्टी गायब है, नहीं है समझ में? जिस पे ऑपरेशन लगा वो खुद ही गायब हो गया, नहीं ये सही है गलत? कारण बोलो। -R1 सही है ना भाई? ये छोटी छोटी बातें अगर आपको आती है तो इसका मतलब आपको आता है। चलो दिमाग क्यों लगाना, ठीक है। अब आपका जो शक है अपने आप पे वो तो खैर बना रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं भाई छोटी मोटी बातों पे आगे और चलते हुए, रेडी? हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। रेडी बात करें इस पे। देखिए साहब इसमें पहली डिटरमिनेंट जो हमारे को याद होनी चाहिए दैट इज 111 ABC A² B² C² अगर ऐसा कभी दे रखा है डायरेक्ट वैल्यू याद रखें A-B B-C C-A, ठीक है। बकायदा IIT में प्रमाण उपस्थित है, कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट लगती है, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये याद होना एक एक्स्ट्रा एजेबल है, मेरी शीट में काम आए चाहे ना, IIT में काम आती है। 111 ABC अगर A² B² C² की जगह A³ B³ C³ हो जाए, दोबारा सुन लेना भाई, A² B² C² की जगह क्या होता है A³ B³ C³ हो जाए, तो आंसर में बस ये फर्क पड़ेगा A-B B-C C-A तक तो होगा ही होगा, आगे A+B+C और हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा A+B+C आ जाएगा। अच्छा अब इसी के अंदर एक और चेंज करते हैं, 111 मेंटेन है, A³ B³ C³ भी मेंटेन है, और अगर इसकी जगह A² B² C² हो जाए बीच वाली रो में तो क्या फर्क पड़ेगा? इधर A-B B-C C-A तक तो होगा ही होगा, और यहां हो जाएगा AB+BC+CA। बेहतरीन खेल रहे हो आप लोग कहीं तो, क्योंकि अगर आप बगैर हमारे साथ साथ बराबर बराबर बॉलिंग कर रहे हैं आप, सही है, एक के बाद एक कई जगह पर तो गजब, राइट है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, साइक्लिक डिटरमिनेंट पॉइंट नंबर 4। साइक्लिक डिटरमिनेंट याद है किसी को? ABC BCA CAB, क्या बोला मैंने? ABC BCA CAB, इसकी वैल्यू होती है 3ABC A³ B³ C³, राइट है भाई? हाँ भाई। अब इसके सिवा एक और वैल्यू हो सक्ती है, माइनस कॉमन A³ B³ C³ -3ABC। इसके सिवा एक और वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कईयों को इसको क्रैक करना आता है, इसलिए वो इसकी वैल्यू सोच रहे हैं। लिख दो मैं भी, कितना लिखना बोलो? A+B+C (A²+B²+C²) -AB -BC -CA, राइट है भाई? इसके सिवा एक और वैल्यू, क्योंकि लोग बोले ही जा रहे थे इसमें अलग अलग वैल्यूज, इसलिए मेरे को आना पड़ रहा है आगे, सही है। और मेरे को आपसे तेज और अलग बॉल भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा एक जना बोल रहा है हाफ A-B² B-C + C-A² क्या ये बात सही है? और सोचें इसके सिवा, नहीं ऐसा भी सोचा जा सकता है, लेकिन ये पता है मैं और कुछ खास लोग ही सोच पाएंगे, अभी कुछ समय बाद में, मतलब आज से तकरीबन 1-1.5 महीने बाद में सभी लोग मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी से करें तो ज्यादा बढ़िया है। A+B(ω+C)² मल्टीप्लाइड विद A²+B(ω+C, सही भाई? अब इसमें ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको दोबारा बोलता हूं क्यूब रूट ऑफ 1। आप में से कई लोग सोच रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, नहीं, क्यूब रूट ऑफ 1 एक्चुअल में जिसके जितना उसका रूट उतनी उसकी वैल्यूज होती है। जैसे क्यूब रूट है तो उसकी 3 वैल्यूज होंगी, उनमें से आपको एक ही वैल्यू पता है 1, क्योंकि वो रियल है, बाकी 2 अनरियल है। तो अनरियल वैल्यूज आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है -1/2, अभी से दिमाग में भर लें आप, ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, इंटू में √3/2 iota, सही ना भाई?
और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहां माइनस और आ जाता है। तो आप अभी से दिमाग में भरते हैं, चालू कर दें, माइनस वन बाई टू। आप तो छोड़ो सारी बातें, आयटा को भी भूल जाओ, आप तो बता दो क्वाड्रेंट कौन सा है, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है ना भाई। अच्छा मैंने एक और बोला, मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में क्या फर्क होता है, ये अभी से मेंटेन करो, करना पड़ेगा, आप आउट हो जाओगे भाई। क्या यहां पे माइनस है तो यहां भी माइनस होता है, अच्छा दोनों माइनस हो गए तो थर्ड। अच्छा जल्दी से बताओ, एक मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ वन की तीन वैल्यूज कौन कौन सी बोली थी, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो बोल दिया, तीसरी कौन सी थी, वन। वन कौन सा क्वाड्रेंट है, जीरो लाइन पे, एग्जैक्टली वो तो एक्स एक्सिस पर है, सही है ना। बस ये जरूर ध्यान रख लेना, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में सीखे या अभी से सीखे और आने वाले टाइम में तो याद कर लें, ठीक है ना, मजबूत बनाते जाएं अपने किले को। हाँ जी साहब, अगले पॉइंट पे आ जाइए। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा अगला। साइक्लिक तक लिखा था ना मैंने, कहीं लिखा ना साइक्लिक, हाँ हो गया ना साइक्लिक। साइक्लिक के बाद है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। आइडिया कोई, साइक्लिक तक तो जरूर आ होगा, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के बारे में आइडिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आइडिया होगा, जिसमें और डायगोनल के इधर उधर के एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है ना भाई। याद रखना सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का मतलब होता है ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या, ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, इसका मतलब होता है ए आई जे। अगर देखो अब जैसे इसका मतलब है कि ए वन थ्री इज इक्वल टू ए थ्री वन। अच्छा कितने लोगों को याद है ए वन थ्री का मतलब, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ए का मतलब एलिमेंट, तो वो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है। अगर ये वाली बात सही है तो एक बार के लिए जरा दौड़ के आते हैं अपन यहां पे। इसको लिखा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, यहां पे लिखा ए थ्री वन ए थ्री टू, ठीक है ए थ्री थ्री, सही है ना भाई। इसका मतलब कौन कौन सेम है, ये और ये, इसका मतलब बीच वाला मिरर बन गया और इधर उधर वाले लोग सेम हो गए। कहानी पकड़ माई, इसका मतलब हो गया ए टू टू इज इक्वल टू, बोलो ए टू टू इज इक्वल टू ए टू टू, सही है, मतलब अनचेंज नहीं आया समझ में। अच्छा जल्दी से बताइए ए टू वन ए वन टू, अच्छा जल्दी से इसमें लोकेट कीजिए, ए टू वन ये रहा, ए वन टू कहाँ है, ये रहा, माने ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, फिर ये दोनों भी सेम, सही है, और बीच वाले तो सेम टू सेम, सही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सही है भाई, नहीं ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोन फॉर सिनेमा, ठीक है सही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये मैंने जो गोल्डन वर्ड्स है ना एक ही बार बोले जाते हैं, ठीक है, अरे लोगों के दिल में उतर जाते हैं साहब, ठीक है, वो तो इसमें कुछ और चेंजेस भी देखेंगे। अच्छा देखो एक मिनट के लिए, हाँ हाँ ठीक है, इधर दिमाग लगाओ, कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया ये और ये सेम, सही है भाई। अच्छा अब साइक्लिक डिटरमिनेंट पे आते हैं। अब मान लीजिए जैसे कई बार कई लोगों को इसकी वैल्यू, अब ये अच्छे से पता होगा इसका यूज हमारे यहाँ पे है कोऑर्डिनेट में, याद है टू डी जैसे चालू होगा इसका यूज हो जाएगा, तब आपको इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कई लोगों को याद भी है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, जैसे मैंने बोला उतनी तेजी से आपने पिछला वाला सुना लेकिन ये नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको काम की कोई चीज नहीं दिखी, लेकिन जिन्हें पता है। अच्छा अब इधर दिमाग लगाओ, अब इसमें क्या है, अगर बाय द वे आप इसको समझ रहे हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए डिटरमिनेंट में, है ना, ए एच जी एच बी एफ, कल हमारी बात हुई है इस पे, बताइए साहब पहली वैल्यू ए बी सी प्लस एफ जी एच, लिख दो भाई एफ जी एच, इसका एफ जी एच टू टाइम्स लिख दो, अच्छा माइनस इस पे आ जाओ
बीजी स्क्वायर, सही है भाई, बीजी स्क्वायर, अरे जी स्क्वायर भी ठीक है, माइनस प्लस का ए एफ स्क्वायर, अगला बोलो सी एच स्क्वायर, क्या ये बात सही है? अब आप में से किसी को, मेरे को लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत पड़ेगी, अगर भाई देवे याद रहे तो बेस्ट, नहीं याद रहे तो सरस रूल है कर ही लेंगे आप, है ना, खटाखट आंसर पाते। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट बताओ, हाँ भाई छठा छठा पॉइंट पाओ, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हाँ भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आइए, हाँ मैं कई लोगों की बस वही देख रहा हूँ कि उनका दिमाग, जैसे मैं उनकी तरह देखता हूँ आंसर बोलते हैं इसका, ठीक है, ए आई से इज इक्वल टू माइनस आई से माइनस ए जे आई, इसका मतलब अब क्या फर्क है और पिछले वाले में क्या फर्क था, इधर वाला जो भी लिखा होगा वो उस साइड में माइनस होकर के आएगा, बात समझ में आई, लेकिन आप एक और बात पे भी गौर कीजिएगा, ठीक है, वो आप यहीं के यहीं गौर कर लें, आप आपको पता होगा बीच के जितने भी डायगनल एलिमेंट्स होंगे, बट फॉर डायगनल एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, डायगनल एलिमेंट्स, अगर अपन डायगनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं डायगनल एलिमेंट्स आर ए आई आई, ए आई आई, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, डायगनल एलिमेंट्स, सही ना, अच्छा डायगनल एलिमेंट्स थोड़ा गलत शब्द यूज कर रहा हूं, और बेहतर शब्द है प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगनल तो यूं भी होता है लेकिन प्रिंसिपल डायगनल यूं वाला होगा, तो आपको पता होगा अगर ए आई आई है तो यहां पर फिजिकल टू माइनस ए आई आई रहेगा, इसका मतलब टू ए आई आई इजिकल टू जीरो, इसका मतलब ए आई आई इजिकल टू जीरो, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स विल बी जीरो, इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी ने मेरे से पूछा तो मैं ये बोलूंगा जीरो हाँ देखते ना सही है क्या, बस फर्क क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, समझे आप, जो यहां लिखा है उसका माइनस पार्ट यहां लिखा है और जो यहां लिखा है उसका माइनस पार्ट यहां लिखा है और बीच के डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। अच्छा जल्दी से बताइए, अगर भाई देखो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं, यहां लिख रहा हूं जीरो जीरो और यहां फोर, तो ऊपर क्या लिखना चाहिए, ऊपर क्या लिखो, तब ये क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, तब ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, फटाफट से आगे चले नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई अब रिमार्क आ जाएगा, पहला रिमार्क, डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, वही बात जो मैंने अभी आपको बोली उन्होंने लिख दिए बस, डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगले पॉइंट पे आइएगा, सेकेंड पॉइंट पे आता हूं, ठीक है, हाँ भाई इसी का रिमार्क का सेकेंड पॉइंट,
ये इतना काम का था कि मैं अगर इंपॉर्टेंट लिख करके छोड़ता तो बेकार जाता, ठीक है ना। तो मैंने इसे कैपिटल वर्ड्स में लिख दिया ताकि आपको ये नजर आए ही आए। मैंने ये नहीं बोला कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, मैंने कहा ऑल और ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू ही जीरो आती है। बात समझ में आई आपको? माने अगर बाय द वे थ्री ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे हर हाल में जीरो आएगी। आप दिमाग लगाना, इसकी वैल्यू जब भी निकालोगे जीरो आएगी। इसकी वैल्यू निकाल के देखना आप, और इसकी वैल्यू जब भी निकालोगे किसी का स्क्वायर आएगी। कोई बताएगा? जीरो माइनस माइनस 16, बोलो तो कितना आया? 16। इसका मतलब यह कि अगर ऑड ऑर्डर की है तब तो जीरो आंसर देगी, और अगर इवन ऑर्डर की है तो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ समथिंग। क्लिक करा आपको? तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा फटाफट से, ये तो लिखना ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। राइट है, इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इससे पहले कि अपन यहां से अलविदा दे दूं, ठीक है, मैं आपको काम दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक अपन ने इसको जितना भी किया सारा थ्योरेटिकली किया है मैक्सिमम, ठीक है। ये काम आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। हाँ भाई, और काम आपकी शक्ल देख के ही दे रहा हूं। पहला 3 2 1 1 3 4 1 -1 2 वैल्यू निकाल लोगे। अगला हो जाएगा, अरे सारे क्वेश्चन होने वाले दूंगा मैं खुद चाहता हूं आपसे, ये चिरकुट क्वेश्चन तो बने, कुछ तो पेन चलाओ, कभी तो चलाओ, सही है। अगले क्वेश्चन में पधारते रहो बस अब तो। हाँ भाई, इसका आपको M21 M22 और -C31 निकालना है। कहानी पकड़ में आ गई आपको? एंड वैल्यू वो भी निकालनी है, और इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है भाई। एक काम खत्म, इतना तो कम से कम कर लेंगे ना कि आप माइनर वाइनर तो निकाल दोगे। चलो अगले पे आओ आप तो। हाँ हाँ चलो, ये अरे एनसीईआरटी से बढ़िया। अगले क्वेश्चन में दोबारा रहो, वैल्यू निकाली है 1 log y base x log z base x। यहां पे दे रखा है log x base y, 1 log z base y, सही भाई। यहां दे रखा है log x base z, इट इज log y base z, और यहां दे रखा 1, सही है। क्या आप इसकी वैल्यू बना सकते हैं? ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके साथ में आपको पॉइंट नंबर 4 पे, ये पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है 1, अभी SOT होके चुका है, 4 times sin b by b, ठीक है भाई, cos a 2a 8 sin a एंड 1 इट इज 3a 12 sin a एंड इट इज cos b, इसकी वैल्यू। राइट है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप कर पाएंगे। आयोटा आयोटा बिल्कुल, ये वैल्यू तो निकाल लेते ना, आयोटा वायटा की वैल्यूज। हाँ बस, एजी सर वाले बच्चे नहीं बचे, एजी सर के जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले हैं, बढ़िया है ना। आप तो इस पे दिमाग लगाओ यार, ये सब मैं आपको अभी एक मिनट बाद बता दूंगा। हाँ, आप तो सारी चीजें एक साथ पहले उठाते हो, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। राइट है भाई, ऑप्शन दे रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरा 2 times a square b square c square। राइट है भाई, तीसरा 4 times a square b square c square। राइट है भाई, एंड द फोर्थ वन इज 3 times a square b square c square। ये क्लिक कर रहा है आपको, ये इतने क्वेश्चन तो कर डालते हो भाई, ये सब हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे ना, अभी तक तो बहुत चिरकुट दिया है।